दो वीडियोज आई थी उनमें मैंने ये मेकअप लुक जो था वो क्रिएट किया हुआ था और मैंने वीडियो किया था मैंने स्वि ब्यूटिक के सीरम का 24 फोर कैरट गोल्ड सीरम का वीडियो किया था उसके बाद मैंने एल ए गर्ल फाउंडेशन का रिव्यू किया है और उसमें ये लुक मैंने क्रिएट किया हुआ था और थैंक गॉड मैंने इसे शूट किया था बिकॉज लॉर्ड्स ऑफ यू आर आस्किंग मी टू अब मैंने ये कैसे किया है तो आज मैं आपको लोगों को दिखाने वाली हूँ कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है आप ये वाला लुक जो है ना वो इजीली किसी भी पार्टी में किसी भी छोटे फंक्शन में या इवन आप अगर कॉलेज गोइंग गर्ल हो तो आप शादी फंक्शन में भी इसको वेयर कर सकते हो आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि मैंने ना तो कोई आई शेडो यूज किया है मैंने ना तो कोई ब्लशर यूज किया है ना ही मैंने काजल यूज किया है और ये लुक मैंने क्रिएट कर दिया है ये मेकअप लुक करते हो ना तो आप बहुत अच्छे सिंपल स्टाइलिश कूल ऐसी लुक आने वाली है आपकी तो डेफिनेटली इसको ट्राई जरूर कीजिएगा किसी पार्टी फंक्शन में और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं तो लेट्स गेट स्टार्ट सो so गाइस सबसे पहले आपको स्विस ब्यूटी का ये मैंने यूज़ किया था ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड सीरम ये मैंने रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है लॉकडाउन से पहले लिया था लेकिन मैंने उसको काफ़ी टाइम बाद शुरू किया यूज़ करना मुझे काफ़ी अच्छा लगा स्टिकी स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है आप मेकअप से पहले इसको इस्तेमाल कर सकते हो रात को भी इस्तेमाल करके सो सकते हो पाँच मिनट इसको छोड़ देना आपकी स्किन की सारी जो फ्लॉज होते हैं उनको ठीक करने में ये हेल्प करता है इसके बाद मैंने यूज़ किया था आई इन कलर का ये प्राइमर और ये भी बहुत अच्छा है ब्लर कर देता है आपके सारे फेस को शाइन को और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये एल ए गर्ल की फाउंडेशन ल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन तो ये वाली मैंने यूज़ करी थी थ्री पंप्स लिए थे मैंने इसके और काफ़ी ज़्यादा हो गई थी बिकॉज ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसके साथ तो आप एक पंप के साथ भी काम चला सकते हैं सो so, ये काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो इसको लगा करके मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ये काफ़ी डुई वाला लुक दे देती है ऑयली स्किन वाले इसको गर्मी में यूज़ ना करें और ड्राई स्किन वाले इसको कॉम्पैक्ट के साथ अच्छे से सेट से कर लें जैसे कि मैंने किया है मेरी स्किन बहुत ड्राई है इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ पर बट मैं इसको अच्छे से कॉम्पैक्ट के साथ आ, सेट कर लूँगी और ये जो ब्रश आप देख रहे हो ये शीन के हैं वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैंने बहुत डिटेल में इसका रिव्यू किया हुआ है मुझे काफ़ी पसंद आए ये वाले ब्रशेस बहुत अच्छे हैं और सेम मैंने फाउंडेशन को कंसीलर की तरह भी यूज़ कर लिया है आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ये मतलब फुल कवरेज दे दिया इसने मुझे सेकेंड कोटिंग में और ये मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने ब्यूटी ब्लैंडर के साथ इसको थोड़ा सा मतलब यू नो ब्लेंड किया था ताकि ये थोड़ा नेचुरल लगे थोड़ा ज़्यादा नहीं लगे ऐसे कि मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया नेक्स्ट ये मैंने ट्रॉपिक्स टू आई पैलेट है फ्रॉम स्विस ब्यूटीज में से डार्क ब्राउन शेड लेकर के मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी और ये काफ़ी अच्छा पैलेट लगा मुझे चाहते हो अगर रिव्यू तो ज़रूर बताना मैं रिव्यू ज़रूर करूंगी मुझे काफ़ी पसंद आया इसके शेड्स और काफ़ी पिगमेंटेड लगा और मैं ज़रूर इसके साथ एक आई मेकअप करूंगी अगर देखना चाहते हो तो बता देना मैं शूट करूँगी अच्छे से और आपको दिखाऊंगी और ये एंगल ब्रश लिया है मैंने ये भी शीन से लिए थे मैंने नेक्स्ट टाइम यूजिंग द स्विस ब्यूटी फ्यूजन हाईलाइटर आई लव दिस शेड एंड दिस जीरो फाइव ये बहुत नेचुरल लगता है मेरी स्किन के ऊपर से पता नहीं लगता कि मैंने कुछ हाईलाइटर अप्लाई किया हुआ है और ये काफ़ी फेवरेट है मेरा और आजकल इसको यूज़ कर रही हूँ इसका भी रिक्वेस्ट आया है मेरे पास कि मैं इसका रिव्यू करूँ तो मैं बहुत जल्दी करूँगी नेक्स्ट टाइम यूजिंग डार्लिंग गिजा वाला का ये शेड नंबर नाइन दिस इज रस्टिक ब्राउन शेड एंड वन ऑफ़ माई फेवरेट शेड मैं डेली वेयर में भी इसको बहुत इस्तेमाल कर लेती हूँ इट्स अ ब्राउनिश शेड दस वाई आई लव शेड और ये मेरे आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से जा रहा था मैंने कुर्ती पहनी हुई है और बहुत अच्छे से जा रही थी लंबे वाले ईयरिंग्स पहने हैं आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएंगे नेक्स्ट मैं यूज़ करी हूँ मेबलिन का ये हाइपर कर्ल मस्कारा वन ऑफ माई फेवरेट और इसको अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी लोअर और अपर, अपर लैशेस पर तो काफ़ी अच्छे से ये आपकी लैशेस को कर्ल कर देता है और काफ़ी अच्छी लगती हैं और ऐसे आपको फ़ेक लैशेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये लगा लोगे ना अच्छे से तो इसके बाद मैंने काजल यूज़ नहीं किया था ये लाइनर है ब्राउन वाला और मैंने इसको अपनी लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई किया था मुझे ब्लैक ब्लैक वाला लुक नहीं चाहिए था और ये मैंने फेस इसलिए यहाँ पर बनाया है क्योंकि ये मैंने बोला था आम नहीं मिले क्योंकि मेरा अभी कह रहे थे कि आम ही नहीं मिले और गर्मी में आम नहीं मिले ऐसे कैसे हो सकता है सो so, ये एक्सप्रेशन वो था और चलिए ये मैंने वाटर लाइन पर अप्लाई कर लिया था मुझे ब्लैक नहीं चाहिए था ब्राउन चाहिए था दैट इज़ वाई मैंने इसको अप्लाई कर लिया था ये है फाइनल लुक और अभी मैं नए घर में अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ तो मैंने अपनी लाइटिंग की सेटिंग नहीं की है ये मैंने एक छोटा सा लाइट की हेल्प से आपको दिखाने की कोशिश की है कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है हाइलाइटर आप देख सकते हो क्यूपिड पेड पे कितने अच्छे से अच्छा लग रहा है तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे और इसका रिव्यू एक ज़रूर करूँगी मैं डिटेल में अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कॉमेंट ज़रूर किया करो आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो बुरी लगी हो कोई भी आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो हो तो कोई रिव्यू देखना चाहते हो किसी प्रोडक्ट का तो जरूर बताइएगा मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में तब तो तक लिए स्टे ब्यूटीफुल बाय लव यू ऑल